इंजेक्शन की सुई को देखकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक डर जाते हैं, जिसे ट्रिप्नोफोबिया कहते हैं। अगर आपको भी सुई से डर लगता है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सागर के एक डॉक्टर ने सुई लगाने पर दर्द ना हो ऐसा तरीका ईजाद किया है, जिसे जैन ट्रिप्नो गार्ड नाम दिया गया है। इसे बनाने में केवल 550 रुपये का खर्चा आया है। अब तक कई लोगों पर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। इसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जैन ने तैयार किया है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरियन पद्धति में इलाज के लिए वाइब्रेट पेन का उपयोग करते हैं। मैं भी एनेस्थीसिया विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। एक दिन बैठे बैठे आइडिया दिमाग में क्लिक हुआ तो मैंने ऑनलाइन कोरिया से मसाजर पेन मंगवा लिया। इसके बाद तापमान शून्य करने इथाइल क्लोराइड स्प्रे को मुंबई में मेरे परिचय से तैयार करवाया और फिर जब दोनों का इस्तेमाल किया तो सुई से दर्द नहीं हुआ। खुद जाती तौर पर जब कभी मेरा इंजेक्शन लगवाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला कि खुद कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है सुई लगवाने के लिए। तो फिर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, फिर एक अनपढ़ मरीज या बच्चों या महिलाओं की हम बात करें तो तकरीबन सभी को सुई लगवाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और किसी को आप धोखे से चाहे पीठ में चाकू छुरा मार दो तो शायद वो इतना भयाक्रांत नहीं होगा जितना उसको स्प्रिट से साफ करके उस जगह पे सुई लगाओ। तो आपकी मरीज कल्पना ही करता रहता है कि अब सुई लगने वाली है, अब लगेगी, अब स्किन पार करेगी। तो कहने की बात ये है कि हम में से सब में से सबको सुई का फोबिया रहता है, जिसको ट्रिपैनोफोबिया कहते हैं। ट्रिपैनो मतलब कोई भी नुकीली वस्तु और फोबिया मतलब उससे डरना। तो दुनिया का बड़े से बड़ा जो बाइडेन और जॉर्ज बुश और सद्दाम हुसैन और बिन लादेन, किसी की भी यदि हम बात करें सबको सुई से डर लगता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने एक का डिवाइस बनाई है जिसमें इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर एक पेन टच किया जाता है तो उस जगह पर वाइब्रेशन होते हैं और उसी जगह पर इथाइल क्लोराइड का स्प्रे करके सुई लगा दी जाती है। इथाइल क्लोराइड के स्प्रे से ठंडक उत्पन्न होती है और जो वाइब्रेशन वाला पेन रहता है उससे उस जगह पर कंपन होता है। तो ये है पूरा उसका तरीका। सर ये मतलब किस तरह का सिद्धांत है, कैसे इसमें दर्द कम हो जाते हैं? इसमें देखिए किसी भी जगह पे दर्द का एहसास ले जाने के लिए उस जगह से जो नर्व्स रहती हैं उस जगह की नर्व को उनको स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करना पड़ता है और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के लिए एक गेट रहता है जिसमें से यदि आप पहले से वाइब्रेशन और टेम्परेचर की आप यदि तरंगे भेज दोगे तो वो दर्द का एहसास स्पाइनल कॉर्ड में एंटर ही नहीं कर पाएगा और ब्रेन को उस दर्द का पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप उस जगह पर वाइब्रेशन करके जहाँ सुई लगानी है और इथाइल क्लोराइड का ठंडा स्प्रे करके उस जगह से वाइब्रेशन और ठंडक का एहसास आप ब्रेन तक भेजते हो तो इस वजह से सुई का दर्द पता नहीं चल पाता है। इसको गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन कहते हैं।